Okay, students, structure of atom. I hope आप सबको board and voice clear आ रहा होगा. सर आपका वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा है. स्लो आ रहा है. अभी आ रहा है वॉइस बराबर? यस सर. अभी आ रहा है वॉइस? हमारा लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था स्टूडेंट्स? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा हो गया था. ओके चलो नेक्स्ट. सब लोग टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे. आई होप सबके पास टेक्स्ट बुक होंगे. सब लोग टेक्स्ट बुक्स ओपन करेंगे. यस. नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व. सर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए. सर वॉल्यूम कम आ रहा है आपका. वॉल्यूम तो पूरा फुल है सर. सर वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है. अभी आ रहा है वॉइस? यस सर. यस सर. ओके नाउ स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्टबुक. टेक्स्टबुक के पीछे के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे अभी. Now just all of you open page number 53. Page number 53. Now page number 53 सबने ओपन किया? Yes sir. Yes sir. Page 53 सबने I hope ओपन कर लिया होगा. Page number 53 सबने ओपन किया है. See the first MCQ. The energy difference between the shells goes on dash when moved away from the nucleus. Increasing, decreasing, equalizing, static. So what is the answer? The energy difference between the shell goes on dash when moved away from the nucleus. Increasing, decreasing, equalizing, or static. Decreasing. इंक्रीजिंग. क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे शेल्स की तरफ वैसे वैसे रेडियस बढ़ता जाएगा. एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा. नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट. द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 × 10⁻³⁴, 6.023 × 10⁻²⁴, 1.667 × 10⁻²⁸, 6.626 × 10⁻²⁸. 6.626 × 10⁻²⁴. 34. Yes, joules per second. Dash. Next question. P orbitals are. Yes, Jahan. P orbitals are. Dumbbell shape. Dumbbell shape. Dumbbell shape. No two electrons in the same atom can have identical set of four quantum numbers. This statement is. Pauli, Hunts, Aufbau, Heisenberg. Pauli exclusion principle. Yes. Principal quantum number describes. Principal quantum number describes dash shape, size, spin, orientation of pin, orbital, electron. Orientation. Orientation. Yes, option number D. So I hope आप सबको. Yes, very good Jahan. I hope आप सबको MCQ समझ गए होंगे सारे. Total 5 MCQ समझ गए सबको. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. अगर doubt है तो पूछो. किसी को कुछ doubt है तो? No sir, no doubt. Okay, next. Magic column. First, neutron. Neutron. Neutron किसने emit किया? Chadwick. Chadwick. Neutron. Chadwick. Next, p orbital.
सिक्स इलेक्ट्रॉन यस पी और बटन में टोटल सिक्स इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इनटू 10 रेस माइनस 19 को लाइमन सीरीज लास्ट ऑप्शन बचा अल्ट्रावायलेट आई होप आपको एमसीक्यू और एमएचड कॉलम में कोई डाउट नहीं है नो सर नो डाउट नो सर नो डाउट सर वो लाइमन सीरीज वाला क्या है वो लाइमन बाल्मर वो पूरा उसका है मतलब हाइड्रोजन सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो लाइमन बाल्मर फंक्शन ब्रैकेट पी फंड वो एंट्रेंस का है पूरा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द आइसोटोप्स इन द गिवन चार्ट बिलो मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये तो हम लोग ने कर चुके एक्चुअली प्रोटॉन्स कैसे पता करते हैं न्यूट्रॉन्स कैसे पता करते हैं इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करते हैं फर्स्ट देखते हैं कार्बन 14 कार्बन 14 की अगर बात करें कार्बन 14 ऐसा होता है ऐसा कुछ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कितने इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे मास नंबर 14 बाकी सब ऐसे ही करना है फिर आपको सारे ऐसे ही करना है ठीक है मैच द फॉलोइंग अरे सबके पास टेक्स्ट बुक है ना यस सर यस सर कितने बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है जस्ट रेज योर हैंड्स कितने बच्चों के पास टेक्स्ट बुक्स नहीं है जस्ट रेज योर हैंड्स सर न्यूट्रॉन नेट कैसे आया न्यूट्रॉन नेट कैसे आया क्या फॉर्मूला है A is equal to Z plus N. So A minus Z is equal to N. So A mass number 14 minus 6, 8. ठीक है मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बहुत सारे बच्चों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है आई होप आपको ये समझ गया होगा यस सर यस सर क्वेश्चन नंबर 4 मैच द फॉलोइंग एलिमेंट एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फर्स्ट 4 का 22 कार्बन का 22 कार्बन कार्बन का 8 पोटेशियम का 21 नाइट्रोजन का 7 21 7 कितने बच्चों का ये राइट गया मैंने किया मेरा यस वेरी गुड सबका सबका ही राइट गया रहेगा ना करेगी तो बहुत ही सिंपल है यस सर इसमें किसी को कोई डाउट है क्या नो सर इसमें किसी को डाउट है नो सर ओके यस आपको डाउट आ रहा है किसको डाउट है किसको डाउट है
डाउट है तो पूछो आप. ओके नेक्स्ट आंसर इन वन सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आंसर इन वन सेंटेंस. Answer in one sentence. If an element X has mass number 11, कोई element है उसका mass number 11 है, and has six neutrons. Then write its representation. चलो start. उसका representation कैसा होगा? नीचे a is equal to z plus n. a क्या है मेरा 11. न्यूट्रॉन कितना दिया 6. 5. बराबर है क्या? यस यस सर. कौन सा एलिमेंट होगा? बोरान. कौन सा होगा? बोरान. बोरान. व्हाट इज दैट एलिमेंट? बोरान. यस वेरी गुड. बोरान एटॉमिक नंबर 5. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p1. नेक्स्ट बी देखेंगे. बी क्वेश्चन देखेंगे. Name the element that shows simplest emission spectrum. Name the element that shows simplest emission spectrum. Emission spectrum मतलब क्या? एक compound जो है वो मतलब अच्छे से spectra दिखा सकता है. Spectra मतलब light में दिखा सकता है. तो सबसे जो light element होता है light वही दिखाता है. And that is nothing but hydrogen. So answer is hydrogen. The simplest emission spectrum. तो B का answer जो होगा वो होगा hydrogen. और हम लोग के syllabus में इसमें टेक्सटबुक के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया हुआ है तो वही होगा. हाइड्रोजन इज द आंसर फॉर बी. नेक्स्ट सी स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का डेफिनेशन क्या है? कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? Position and momentum of electrons cannot be measured simultaneously. Yes, very good. Position and momentum cannot be measured simultaneously. That is nothing but the Heisenberg uncertainty principle. Next, give the names of quantum numbers. कितने quantum number है total? Four. On four. Principal, magnetic, and spin. Yes, very good. Next, question number E. देखो E. Identify from the following the isoelectronic species. Isoelectronic species. Isoelectronic species. Na plus. ARNK plus. सर पहले वाला बहुत सारे दिए इसमें. सोडियम आर्गन एंड पोटेशियम. क्वांटम नंबर के नाम बोलना. तो चार क्वांटम नंबर है ना. प्रिंसिपल अजीमेथल मैग्नेटिक एंड स्पिन. चलो नियॉन 10 ऑक्सीजन 10 8 10. सोडियम 11 माइनस 1 10. अब यहां पर ऐसा कंपाउंड ऑक्सीजन 8 इसका प्लस 1 9 आर्गन 18 क्लोरीन 17 18 19 पोटेशियम 19 माइनस 1 18. तो कौन कौन से स्पीशीज है? नियॉन ऑक्सीजन सोडियम और आर्गन एंड पोटेशियम. ये दो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. ये दो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है.
Have you understood, students? Yes, sir. Okay. 18, 18, और ये तीनों 10 आ रहे हैं. Have you understood? ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वो सब थ्योरी है, वो आप खुद से देखना जो हम लोग ने किया है. हम लोग सीधा क्वेश्चन नंबर आई देखते हैं. आई एक्सप्लेन द एनिमलस बिहेवियर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम. एक्सप्लेन द एनिमलस बिहेवियर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम. कॉपर एंड क्रोमियम का एनिमलस बिहेवियर हम लोग ने देखा था. क्या था एनिमलस बिहेवियर ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम? कॉपर शोस, कॉपर एंड क्रोमियम शोस एनिमलस बिहेवियर. हाफ फिल्ड एंड completely filled electronic configuration and attain extra stability. Yes, very good. And therefore, extra stability. Yes, very good. चलो J question देखेंगे. J वाला. ये तो बहुत easy है J वाला. क्या होगा और बेटा? क्या होगा? 2D. 2P. 2P. 4D. 4D. 3D. 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 Have you understood this? Yes, sir. Yes. Next, K वाला देखेंगे. ये देखेंगे. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe, Fe2 प्लस, Fe3 प्लस. कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? Fe एटॉमिक नंबर 26. 26, 26. कैसा आएगा इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10. 26 होना चाहिए. देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हो रहे? 20. आर्गन 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 plus 2, 20. 20 plus 6, 26. अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान से. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. प्लस 2 चार्ज है ना? तो s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देने का, तो क्या होगा? 4s0, 3d6. Have you understood, students? Yes. Q plus Q, दो इलेक्ट्रॉन निकाला, because यहाँ पर क्या चार्ज था? 2 plus. Next, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. तो s में से एक इलेक्ट्रॉन, s में से दो हो जाएगा, और d में से 4s0, 3d5. हेलो, कितने बच्चों को ये नहीं समझा? रेज योर हैंड. कितने बच्चों को नहीं समझा ये? सर, एस में से क्यों गया? हाँ, एस में से क्यों गया? एस में से क्यों गया? क्योंकि ये बैलेंस शेल है ना. 4s और 3d दोनों बैलेंस शेल है. कौन से शेल है? बैलेंस शेल. तो यहाँ से एस में से जाएगा इलेक्ट्रॉन. ओके, एक्चुअली देखा जाए तो 4s जो है ना, 4s इसकी एनर्जी ज्यादा होती है. 4s की एनर्जी ज्यादा होती है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. तो 4s है, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालने का रहेगा d में से, तो आप 4s से निकालेंगे, फिर 3d से निकालेंगे. ओके, पहले 4s से निकालेंगे, फिर 3d. ओके स्टूडेंट्स, वापस देखो. ये मिला है किसका? आयन का. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ये मेरा आयन का है, Fe का है.
इसलिए कुछ कैंसिल नहीं हुआ। प्लस टू बोला तो इसमें से दो चले गए, ये जीरो हो गया। प्लस थ्री बोला तो इसमें से दो चले गए, इसमें से दो चले गए और इसमें से एक चले गया। फोर एस जीरो थ्री डी फाइव का तो समझा स्टूडेंट्स अभी? यस सर। जे क्वेश्चन देखेंगे, राइट? कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कंडेंस फॉर्म में लिखना है, कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। अब ध्यान से देखो, लिथियम का क्या आएगा? 1s2 2s1, हीलियम 2s1, हीलियम 2s1, कंडेंस्ड कैसे लगेंगे? ध्यान से ये 1s2 टू एटॉमिक नंबर कौन से नोबल गैस का है? हीलियम। हीलियम हीलियम 2s1। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Carbon. 1s2, 2s2. 2s2, 2p2. हाँ, अब यहाँ पर तो noble gas direct 10th वाली noble gas है neon की, तो यहाँ तो neon आएगा नहीं क्योंकि neon का atomic number 10 है और ये तो 6 ही है, तो कौन सी noble gas use करेंगे वापस से? Helium. 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 2s2, 2p2. 2s2. 2p2. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. P4. अब इसको कैसे करेंगे? Helium. Helium. 2s2. 2p4. चलो इसका ट्राई करो। इसको ट्राई करो जरा खुद से। इसको ट्राई करो। नियॉन 3s2 3p2 क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. अब कैसे करेंगे? ये क्या 10? 10 किसका? नियॉन। 3s2, 3p2. अब ये 1s2, 2s2, 2p6. 3s2 neon 3s2 neon 3s2 3p4 तो कैसा आएगा? ne 3s2 3p4 on 3s2 3p5 i argon 4s2 3p5 ab yahan argon 4s2 argon is karenge 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, argon 4s2, 4s2, yeah, okay, 20, क्या बचा? 4s2, so 4s2, I hope आपको समझ गया होगा condensed form, yes sir, कितने बच्चों को नहीं समझा? Raise your hand. कितने बच्चों को ये नहीं समझा? रेज योर हैंड। कुछ भी नहीं समझा? ऐसा कोई है?
ओके स्टूडेंट्स वापस देखो, ये तो सबको पता होगा, ये पार्ट सबको पता होगा क्योंकि अबवा प्रिंसिपल है, इसको हम लोग ने देखे है पहले भी। एटॉमिक नंबर लिथियम को फिर दिया हुआ है, सो 1s2 2s1 यस। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, सो 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p2 8 1s2 2s2 2p4 14 1s2 2s2 2p6 2s2 3p2 ये तो आपको पता होगा। अब ये क्या है, दो इलेक्ट्रॉन ना, सो हीलियम, हीलियम दो, क्या बचा 2s1। नेक्स्ट यहां भी हीलियम, क्या बचा 2s2 2p2 2s2 2p2 नेक्स्ट हीलियम 2s2 2p4। अब यहां पर हीलियम गैस क्यों लिया, बिकॉज कोई नोबल गैस है ही नहीं। अब यहां पर 6 7 8 9 10 यहां पर 10 आ गई, दैट इज नियॉन। तो आगे का ये क्या हो गया मेरा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो बच गया। नेक्स्ट ये मेरा नॉर्मल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और ये मेरा शॉर्टकट कंडेंस फॉर्म नियॉन 3s2 3p5। ये मेरा नॉर्मल वाला, यहां पर क्या है, यहां से यहां तक क्या है मेरा 6 7 8 9 10 11 12 12 plus 6 18 और 18 किसका होता है आर्गन, सो आर्गन 4s2 सिंपल। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, आप किसी को कुछ नहीं समझा तो बताओ। ओके इसको लिख लो जल्दी या स्क्रीनशॉट ले लो। Done students? Done, sir. Next, draw the shape of 2s and 2p orbital. 2s and 2p orbital. कैसे बनाएंगे? S में कितने सबशेल आते हैं? एक. और p में तीन. अभी 2s बोला ना? So 1, 2. This is 2s. अभी 2p. 2p कैसे बनाएंगे? डंपल शेप। टूपी कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो। px py. So this is px and this is py. Have you understood, students? This is px and this is py. समझ गया होगा ये? 2p बोला ना, 2p. Okay. आपको समझा ये? और p orbital आपको पता है कौन सा shape होता है? Dumbbell shape. Sir, please repeat करिए ना. Shape, s का shape क्या होता है? Spherical. और 2s बोला ना? So ये बीच वाला मेरा क्या है, न्यूक्लियस, दिस इज 1s, दिस इज 2s। अभी 2p बोला है तो क्या लेंगे, px एंड py दो एक्सिस लेंगे, सो एक px पे और एक py पे, खत्म। और आपको पता है p ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? डंबल शेप, डंबल शेप। नेक्स्ट, explain in brief the significance of azimuthal quantum number.
What is the significance of azimuthal quantum number? Significance का मतलब होता है importance. What is the importance of azimuthal quantum number? Information about number of subshells and electrons present. Very good. It gives the information about the number of subshells to which the electron belongs. और एक-एक subshell के बारे में हमें information देता है कि S में कितने subshell आएंगे, P में कितने आएंगे, D में कितने आएंगे और F में कितने आएंगे. Have you understood, students? Yes, sir. ये information हमें मिलती है, correct? बहुत important subshell के बारे में information मिलती है हमें. Next. If n is equal to 3, what are the quantum numbers L and M? अच्छा, ये बहुत important question है, ये CET का question ऐसा आ सकता है, textbook में दे दिया है. Question number O, O वाला O. N is equal to 3, L and M. चलो यहाँ देखो, N का वैल्यू 3 है, तो L और M का वैल्यू क्या होगा? L stands for azimuthal, M stands for magnetic. चलो, क्या होगा? Try करो. ट्राई करो स्टूडेंट्स. एल टू और थ्री होगा. अच्छा, अब यहां से देखो, एन इज इक्वल टू थ्री, सो के एल एम वन एस एस पी एस पी डी जीरो जीरो वन जीरो वन टू, ये एल है, तो मेरा एल क्या हो गया? 0, 1, 2. Have you understood, students? Yes, sir. अब M क्या होगा? ये तो मेरा L हो गया. कितने बच्चों को ये नहीं समझा? है क्या कोई? Okay, next. अब M कैसे निकालेंगे? 0, 1 है ना? तो क्या होता है? 2 है ना? Have you understood? Have you understood, students? Yes, sir. Yes, sir. Yes, 0 to 0. 1 बोले तो plus 1, 0, minus 1. 2 बोले तो plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर, यस, वापस मैं रिपीट करता हूं, वापस देखो, एन का वैल्यू बोला है 3, एन का वैल्यू 3 है और पूछा है एन का वैल्यू अगर 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 है, सो अजीमथल और मैग्नेटिक का क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? तो आप 1 से 2 को पता लगा सकते हो. कैसे? के एल एम 1 2 3, एस एस पी SPD 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 1 2, तो ये मेरा L का वैल्यू क्या हो गया? 0 1 2 0 1 2. अब M का कैसे निकालेंगे? ये क्या है? 0 0 1 plus 1 0 minus 1, 1 ना, plus 1, 0, minus 1. Next, 2. Plus 2, plus 1, 0. Minus 1, minus 2. Have you understood? M का तो वैसे ही होता है ना? Correct? S का ऐसा होता है ना, M का? Zero. ये plus 1, 0, minus 1. ये? Plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2. Simple. Correct?
या अगर इलेक्ट्रॉन दिया होता तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं, और अगर कुछ नहीं दिया तो सिंपल ऐसा लिखेंगे. ओके, आई होप कि आपको समझा होगा सबको ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ओ सबको समझा होगा. यस सर. क्वेश्चन नंबर पी देखो. पी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिटन एज. अब इसको कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p, 2px, 2py, 2pz. इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऐसा होता है, ये करेक्ट है. और दूसरा 1s2, 2s2, 2p. ये भी देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी 8 हो रहे और ये भी 8 हो रहे, बट ये करेक्ट है ये रॉन्ग है. ऐसा क्यों? ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर 2pz में भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा. हाँ, यहाँ नहीं आएगा. ये 8 हो गए ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए ना, करेक्ट. ओके, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स. 2PY1, 2PZ1, ये भी 8 है और ये भी 8 है, बट ये राइट है ये रॉन्ग है. ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? अब ध्यान से देखो, वेरी इंपॉर्टेंट. अब एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और इसमें 0 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का मतलब इंडिकेट करता है ये इसका ऐसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा. और इसका कैसा होगा? सो विच वन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? ये वाला कि ये वाला? फर्स्ट. विच प्रिंसिपल? अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल? कितने बच्चों का ये क्वेश्चन नहीं समझा? वेरी वेरी गुड. पीएक्स पीवाई पीजेड, पीएक्स पीवाई पीजेड, पीएक्स पीवाई पीजेड. PX में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन. PY में 1, PZ में 1. PY में 1, PZ में 1. अब यहां पर PX में 2, PY में 2. अब यहां पर कैसा होगा? ध्यान से देखो. अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, विच इज करेक्ट? दिस इज करेक्ट और दिस इज, दिस वन इज करेक्ट? फर्स्ट. वन इज करेक्ट. सबसे सब हम लोग पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, फिर बाद में पेयर करते हैं. यहाँ तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो फिल ही नहीं किया. अंडरस्टूड? तो हंस रूल के हिसाब से कौन सा सही है? ये सही है. और ये कौन सा है? ये वाला है. हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस सर. क्वेश्चन नंबर क्यू. Write a note on principal quantum number. Write a note on principal quantum number. अब ध्यान से देखो, principal quantum number के ऊपर आप क्या क्या लिखोगे? जो भी हम लोग को समझाया है, principal quantum number के साथ आप क्या लिखोगे? It gives information about the number of shells as well as number of electrons. कितने कितने electrons आएंगे.
That's it. जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में मैंने आपको समझाया है उतना ही लिखने का है. ओके आर देखो क्वेश्चन नंबर आर यूजिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर आर देखो मैं लिख देता हूं. Next. अब ध्यान से देखो वेरी इंपॉर्टेंट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in the M shell give their distribution in shells, subshells and orbitals. ये मेरा R question है R वाला. इसको कैसे करेंगे? Using concept of quantum numbers, calculate the maximum number of electrons present in the M shell. Give their distribution in shells, subshells and orbitals. अब ध्यान से देखो. सबसे पहले आपको क्या बोला है? M shell. So K. ध्यान से देखो. Very important. K L M. K L M. 1, 2, 3. S, SP, SPD. इसमें SPD आ रहे हैं. तो सबशेल्स कितने हो गए? थ्री. हो गए? थ्री. कितने सबशेल है? थ्री. तो इसका आंसर Give the distribution in shells. Electron का distribution. Maximum number of electrons present in the M shell. Give the distribution in shells. अब कैसे ध्यान से देखो. S का subshell कितना है? एक. P में कितने होते? Three. P में कितने होते? Five. अभी कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो. इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? दो. टू. पी में? सिक्स. सिक्स. डी में? टेन. टेन प्लस सिक्स? सिक्सटीन. प्लस टू? एटीन. एटीन. तो कितने हो गए? एटीन. And orbitals. Orbitals कितने हो गए? Three. Orbitals कितने हो गए? नहीं नहीं. Subshell three. Orbitals कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nine. S में कितना है? एक ही है ना? इलेक्ट्रॉन्स नहीं बात कर रहे, ऑर्बिटल्स की बात कर रहे, डब्बे की बात कर रहे, डब्बे की बॉक्स की बात कर रहे. एस में कितना डब्बा है? कितना बॉक्स है? टू. वन. वन. कितना है? थ्री. वन प्लस वन? फोर. फोर. डी में कितना है? फाइव. फाइव. फाइव प्लस फोर? नाइन. नाइन. शेल्स कितने हो गए? एटीन. सबशेल्स कितने? थ्री. थ्री. एसपीडी और ऑर्बिटल्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Raise your hand. Sir. 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 एक और बार, एक और बार, ठीक है. वापस देखेंगे बच्चे सब लोग. Using concept of quantum numbers.
calculate the maximum number of electrons present in the M shell. Give the distribution in shells, subshells, and orbitals. Shells, subshells, and orbitals. KLM. KLM. अभी K के अंदर S होता है, L के अंदर SP, M के अंदर SPD. SPD. अब आपको पूछा है सबशेल्स कितने हैं. सबसे पहले सबशेल देख लेते हैं, कितने सबशेल हैं? तीन. सो आंसर थ्री. सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स बोला है, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो सब में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया मैंने. सो एस में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में छह आते हैं, डी में दस आते हैं. तो ये कितना हो गया? 18. सो 18 ऑर्बिटल्स. कितने ऑर्बिटल्स है एस में? कितने ऑर्बिटल होते हैं एस में? कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी में तीन, डी में पांच. कितने हो गए? नाइन. सो ऑर्बिटल्स नाइन. हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस सर. यस सर. ऐसी अगर मैंने आपको, ये तो मेरा एम शेल की बात चल रही है ना, मैंने अगर इसकी बात की, एल शेल की बात की, एल शेल, तो ये मेरा एल शेल है. एल शेल, इसमें शेल्स कितने हैं? नेक्स्ट, सब शेल्स. नेक्स्ट, ऑर्बिटल्स. शेल्स कितने हैं? सॉरी, शेल्स बाद में देखते हैं. सब शेल्स कितने? दो सब शेल. कौन से दो हैं? ओ एस पी. दो सब शेल, ऐसा नंबर लिख दो. दो शेल्स कितने हैं? अब एस एट और पी. 1 2 1 2 3 4 5 6. कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने हो गए? एट. ऑर्बिटल्स कितने? Four. Have you understood, students? Yes, sir. Okay. लिख लो उसको जल्दी. Indicate a number of unpaired electrons in silicon 14, chromium 24, silicon 14, chromium 24. अब देखो, silicon 14, chromium 24. इसका कंडेंस कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. यहां तक कितना? ये किसका है? ये क्या आएगा? 3s2, 3s2, 3p2. Next, chromium 24. 1s2, 2s2. 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Argon. यहाँ तक क्या है? Argon. Argon. 4s2, 3d4. लेकिन ये करेक्ट है क्या? ये करेक्ट है क्या? No sir. No sir. No, sir. 4s1, 3d5. 4s1, 3d5. Yes, very good.
4 is 1, 3D 5. आई होप आपको समझा होगा दोनों. यस सर. आई होप आपको समझा होगा ये पूरा. यस सर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. यस सर. यस वेरी गुड मानसी, वेरी गुड. हाफ फिल्ड 4s1 3d5 कैसे आया? अच्छा आपको पता है ना मैंने एनएमएस गीवर सिखाया था क्रोमियम एंड कॉपर का. एस क्या करता है? एस में से एक इलेक्ट्रॉन जाता है किसमें? डी में जाता है. तो क्या हो जाएगा 4s1 3d5 और 3d5 क्या है? d5 क्या है? 1 2 3 4 5. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज half filled gains extra stability. Stability gains extra stability. Have you understood, students? Yes, very good. Yes, man. Sir. Next sir. Question. Next question. एक element है जिसके पास 29 electrons हैं. ठीक वाला question देखो. Element है मान लो x. X element है. उसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 29 है और 35 न्यूट्रॉन है. वो है 35 इलेक्ट्रॉन्स 29 एंड न्यूट्रॉन्स 35. कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. 29 प्रोटॉन्स 29 x बताएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? क्या फॉर्मूला? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. यस. तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे? 29. प्रोटॉन 29. प्रोटॉन्स 29. यस. जेड का वैल्यू क्या हो गया? 29. एंड जेड इज इक्वल 29. किसका होता है एटॉमिक नंबर? जेड इज इक्वल टू 29. किसका होता है एटॉमिक नंबर? कॉपर. और इसका इलेक्ट्रॉनिक? यस वेरी गुड. कॉपर एटॉमिक नंबर 29. अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s1 3d9 4s1 3d10. Yes. ऐसा क्यों? NMLS behavior of copper. Completely field stability. Have you understood? Completely field stability. I hope सबको समझ रहा होगा. Yes, sir. Yes, sir. Completed questions. Textbook के जितने पीछे questions थे हम लोगों ने solve कर लिया. And I hope आप सारे बच्चों को ये question समझा होगा अच्छे से. Yes sir. Yes sir. Yes sir. मजा आया आज question solve किया हम लोगों ने जो भी chapters पढ़े थे. Yes sir. Yes sir. So we will meet in the next lecture. और भी कुछ questions बाकी रहेंगे तो हम लोग बाद में करेंगे. और सर ने जैसा बोला है कि हम लोग को revision लेना है तो एक और बार chapter का revision लेके और question